हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल वीडियो, एंड इसमें मैं आपको किचन यूज़फुल गैजेट्स दिखाने वाली हूँ एंड जो आपकी लाइफ को इजी कर देंगे। एंड अभी जैसे कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, क्लीनिंग का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो बेसिकली यूट्यूब पे वायरल हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये वर्थ है कि नहीं, आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आइए हॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पेपर ग्राइंडर, एंड ये ग्लास का है, काफ़ी अच्छी बॉटल मिल जाती है, एंड इसको आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी प्लेस कर सकते हैं, अपने किचन में भी प्लेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक है। एंड इसके अंदर ये पेपर नहीं आया था, ब्लैक पेपर नहीं आया था, आप लोगों को लगे कि फ्री में मिलाओ, तो ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल लिया है एंड इसको मैंने यूज़ करके देखा है, काफ़ी अच्छे से वर्क किया। लाइक किचन में हम लोग हमेशा काली मिर्च को पीस के तो रखते ही हैं, बट जो स्वाद आपको ओरिजिनल जब आप तभी की तभी पीस के डालते हो बहुत अच्छा आता है, तो मैंने इसलिए मंगाया है। एंड इसके ऊपर आपको एक लिड मिल जाती है लगी हुई, तो इसको आप खोल सकते हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट इसको घुमाएं एंड उसमें ही क्रश हो जाता है और बहुत अच्छे से पीस के बाहर निकल आता है। तो फ्रेश जब आपके पास ब्लैक पेपर निकल के आती है तो उसका स्वाद एकदम अलग होता है, जो कि ऑलरेडी हम पीसी भी रखते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क होता है। एंड ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक पास्ता बनाने तब उसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं ब्लैक पेपर, और या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बनाने के लिए जिनमें हम फ्रेश ब्लैक पेपर का यूज़ करते हैं, सैलड हो गई उसमें यूज़ करते हैं, तो इसलिए एक मैंने ये मंगाया था एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, बहुत अच्छा लुक है, एज अ गिफ्टिंग के पर्पज़ से भी ले सकते हो, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो भी बहुत अच्छा है। तो नंबर वन आइटम हमारा ये था। देन नेक्स्ट है ये मैं ओपन कर चुकी हूँ, ये स्पायरल पोटैटो कटर है, एंड लाइक आप लोगों ने टोर्नेडो खाया होगा तो उसमें स्पायरल वाला लुक आता है, एंड उसको आप फ्राई करके एंड उसके ऊपर सॉसेस वगैरह होती हैं, तो मैं यहाँ पे टोर्नेडो की इस रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बेसिकली मैंने स्पायरल कटर मंगाया था। इसमें स्पायरल तो अच्छे से बन जाता है, बट इसमें मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तो जो स्पायरल बनता है वो थोड़ा सा लूज बनता है एंड वो ठीक से सीख नहीं पाता है, तो सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है इसमें। इसमें आपको एक इस तरह का हैंडल मिल जाता है, इसमें आप आलू को लगाओ यहाँ पे एंड देन यहाँ पे इसको फिक्स कर लो, तो आप इसको जैसे ही रोल करेंगे तो वो स्पायरल आपका बनता चला जाता है, बना बहुत परफेक्ट है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे बहुत अच्छे से निकल के आया, बिकॉज इससे पहले भी हम लोग ट्राई कर चुके हैं, वो स्पायरल हमारा ठीक से नहीं बना था, बट इसकी हेल्प से स्पायरल तो बहुत अच्छा बना है, बट वो स्टिक में टिक नहीं रहा है तो ठीक से सीख नहीं पाए एंड हमारे टोर्नेडो रह गए, और वो मैंने खाए थे लाइक जब कोरोना नहीं था और हम दुर्गा पूजा में गए थे तब हमने खाए थे, वहाँ पर बहुत टेस्टी होते हैं वो, एंड उसके वजह से मैंने ये मंगाया था। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी और ये मत बाई कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पायरल का जो अंदर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होल कर देते हैं, वो सीखने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक से नहीं सीख पाता, तो इसलिए मैं इसको कहूँगी कि आप मत खरीदेगा, ये बहुत ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है यूट्यूब पर, तो मैंने इसलिए मंगाया था। और मुझे पर्सनली टोर्नेडो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं घर पे ही बना लूँगी, और जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं ऑब्वियसली आपको नई नई चीज़ें बनानी होती हैं, गेस्ट आते हैं, होपफुली इस बार दिवाली पे अच्छे से इन्जॉय कर पाएँ, तो इसलिए मैंने मंगाया था कि स्नैक्स के काम आ जाता है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी मत बाय करिएगा। देन अब हम चलते हैं अपने नंबर थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, वो है ये, एंड ये मैंने एक स्कॉच ब्राइट का सिंक ब्रश मंगाया है, किचन सिंक ब्रश, सिंक वॉश कर सकते हैं इसके थ्रू, एंड इसमें आपको बहुत अच्छा ये ग्रीन कलर का ये पैड मिल जाता है, जो कि इसमें आपको एक और मिलता है, एक और एक्स्ट्रा मिलता है, लाइक ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं और इसके हेल्प से बड़े ही अच्छे से लग जाएगा, तो ये मुझे बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी, लाइक क्लीनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, कहीं कहीं बार ऐसे कोने रह जाते हैं हमारे जो हमारे से ठीक से साफ़ नहीं हो पाते हैं, एंड इसकी हेल्प से आप अच्छे से इसको घुमा के कैसे भी हैंडल से आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो अपने सिंक को, लाइक इससे जो आपका बर्तन धोने वाला स्क्रब है वो ख़राब नहीं होता, आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं स्क्रबिंग, एंड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा एंड इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, आप आराम से बाय कर सकते हो एंड इसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक और मिल जाता है, तो बाकी आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितने अच्छे से वर्क किया एंड प्रॉपरली सिंक भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, और टैप वगैरह भी क्लीन कर सकते हो, टाइल्स भी क्लीन कर सकते हो, तो आप कुछ भी क्लीन कर सकते हो, लाइक अभी दिवाली के लिए सारी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं आप इसको।
देन नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये वाइपर एंड ये काउंटर वाइपर है बेसिकली। तो मैंने अपने लाइक किचन काउंटर के लिए मंगाया है क्योंकि कई बार उस वहाँ पे पानी हो जाता है या फिर अगर आप बर्तन धो के रखते हैं, मेरा बेसिकली वहाँ पे स्टैंड रहता है साइड के कॉर्नर में, तो अगर आप बर्तन धो के रख रहे हैं, बर्तन का पानी निकलता है, फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि आप वहाँ पे या तो वाइपर मारो या फिर कपड़ा मारो। तो मैंने ये वाइपर मंगाया है एंड ये है स्कॉच ब्राइट का एंड ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। लाइक इसमें यहाँ पर बहुत ही पतली सी एक रबर टाइप कह दो आप कि वो दी गई है ग्रिप एंड इससे इतने अच्छे से सोखता है ये पानी को बहुत अच्छे से एंड इसने भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया। तो आप डेफिनेटली इसके लिए भी जा सकते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं एंड इसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। द नेक्स्ट है ये एंड ये मैंने सॉल्ट एंड पेपर डिस्पेंसर मंगाया है एंड ये भी बहुत ही अच्छा क्यूट सा पीस है। ये है प्लास्टिक का, तो काफ़ी अच्छा है, डेकोरेटिव पीस टाइप्स है और ये लिखा गया था कि ये आपको रिसीव होगा ये वुड का, बट ये वुड का नहीं है, ये प्लास्टिक का दिया गया है एंड इसमें आपको दो बॉटल्स मिल जाती हैं जो इसके अंदर आप सॉल्ट एंड पेपर वगैरह रख सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी लग रही हैं। प्राइस वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक 150 रुपये के आसपास की हैं, तो उस हिसाब से वर्थ बाइंग पीस है, आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। क्वालिटी ठीक है, लाइक जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से वर्थ बाइंग लग रही है। लाइक इसको आप डाइनिंग टेबल पे भी प्लेस कर सकते हो या फिर अपने किचन में भी प्लेस कर सकते हो, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। द नेक्स्ट है ये है गार्बेज बैग एंड ये है बायोडिग्रेडेबल और ये आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे हैं। ये पैक ऑफ 6 आता है और काफ़ी अच्छा है। लाइक मैंने मीडियम साइज़ में मंगाया तो मेरे डस्टबिन में बड़े अच्छे से लग जाते हैं एंड गार्बेज बैग आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रहता है एंड क्लीनिंग का प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने एक ये मंगाया था एंड मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले मैंने दूसरे ब्रांड के मंगाए थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे, बट इस बार मैंने प्रेस्टो के मंगाए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगे। इनको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्वालिटी अच्छी है, तो इनके लिए भी डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए आइए अब हम चलते हैं अपने किचन में भी, तो वो मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुकी हूँ अपने किचन में, तो आइए वहीं पे ही दिखाती हूँ आपको। ये मैंने मंगाया है फॉसेट एंड आप जैसे कि देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें दो तरह के मोड दिए गए हैं, एक शावर मोड है, एक नॉर्मल मोड है, तो आप जिस तरह से उसको यूज़ करना चाहें उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। शावर मोड बेसिकली पानी स्प्रेड करके आता है तो हमारे बर्तन अच्छे से क्लीन होते हैं एंड पानी थोड़ा सा कम वेस्ट होता है एंड इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक आप लोग कहेंगे अभी आपने पानी ऐसे ही चला रखा है, तो वो आपको खाने की वजह से मैंने पानी चलाया था एंड देन मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप पानी वेस्ट कर रहे हो। एंड नॉर्मल मोड इसका ठीक है, तो आप नॉर्मल जैसे पानी आता है उसी तरह से आएगा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी आपको कि अगर आपकी टैप थोड़ी ऊंचाई पे है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। जैसे कि मेरी टैप आप देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे है एंड सिंक के बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर आ पा रहा है लगाने के बाद, तो अगर आपकी टैप में अच्छे से ऊंचाई है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कीजिए, बहुत अच्छा है, अच्छे से वर्क करता है। लाइक अगर आपकी टैप थोड़ी सी ऊंचाई पे है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं बिकॉज इसमें ऊपर जो हैंडल दिया गया है वो नहीं मिलेगा। तो ये दो तरह में आता है, विद हैंडल एंड विदाउट हैंडल। तो अगर आपकी टैप थोड़ी ऊंचाई पे है तो आप विद हैंडल वाला ले सकते हो, जैसे कि ये स्पैरल सा जो है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अदरवाइज आप बिना स्पैरल वाला ले सकते हैं अगर आपकी टैप थोड़ी ऊंचाई पे है तो वो अच्छे से वर्क करेगा, तो इसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ आपको। द नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एंड ये जूना है और ये बर्तन मांजने के लिए बेसिकली यूज होता है, तो इसमें आपको हैंडल मिल जाता है एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो ये नॉर्मल जूने से काफ़ी महंगा है, लाइक मैं नॉर्मल वाला भी लेके बैठी हूँ यहाँ पे, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बेसिकली। ये अच्छे से वर्क करता है, एक महीने के आसपास चल जाता है और इसका जो प्राइस है लाइक इससे काफ़ी ज़्यादा है और इसका एज सच मुझे यूज़ नहीं लग रहा, सिर्फ ये हैंडल की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगाई हुई है, तो इसके लिए मैं कहूँगी आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, थम्स डाउन है इसके लिए। क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ ये ठीक है, अच्छे से वर्क करेगा एंड हैंडल काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो एज सच तो चुभता मेरे को ये भी नहीं है कि मैं भी इसको यूज़ करती हूँ एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे वाला जूना यूज़ करते होंगे, तो वो हाथ में नहीं चुभता है बिकॉज उसके ऊपर हम स्क्रबर वगैरह अच्छे से लगा लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चुभता है। तो मुझे ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग पीस नहीं लगा, इसके लिए बिल्कुल भी मत जाइएगा एंड इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड कौन कौन इसको यूज़ करता है मुझे ये भी बताइएगा, तो कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। द नेक्स्ट है ये एंड ये मैंने किचन टॉवल्स मंगाए हैं, ये मिल जाता है सेट ऑफ 5
एंड काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है। तो अब हम इसका साइज़ भी देखते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो इसको चाहे तो आप काउंटर क्लीनिंग के लिए भी ले सकते हैं या फिर अपने हैंड्स पोंछने के लिए भी ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कॉटन का इसका फैब्रिक है, या फिर आप इसको रोटी रैप करने के लिए भी ले सकते हैं। साइज़ इसका ओके है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर इसमें रेड, ब्लैक एंड येलो एंड ग्रे मिल जाता है। तो असॉर्टेड कलर्स हैं, कोई सा भी आपको रिसीव हो सकता है। तो ये ऐसे अपने रैंडमली ही आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कलर वाइज अच्छे हैं, वैसे टोन कलर टोन अच्छी हैं एंड कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। तो मैंने बेसिकली इसलिए मंगाए हैं, कई बार होता है कि हमारे जो टॉवल्स होते हैं वो गीले रह जाते हैं, उनमें थोड़ी सी सीलन की प्रॉब्लम हो जाती है और वो थोड़ी सी स्मेल भी करने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के टॉवल आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं एंड कोई भी स्मेल की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप इनके लिए जा सकते हैं। द नेक्स्ट है ये, एंड ये मैंने मंगाई है ऑडी की पेपर फॉइल, एंड आपको पता ही होगा एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम से मुझे तो एक दो साल हो चुके हैं उसको ना यूज़ करते हुए। तो मैंने ये मंगाई है अभी, जैसे कि ऑफिस वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं एंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरह का ये फूड रैप मिल जाता है, तो आप बच्चों को भी लगा के दे सकते हो टिफ़िन में। काफ़ी अच्छा कटर मिल जाता है यहीं पे ही, आप इसके थ्रू इसको काट सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटा है, और इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिंटिंग हो रही है। डोनट्स बने हुए हैं, बर्गर बना हुआ है, फूड आइटम्स बने हुए हैं, बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है। तो इस तरह के आप रैपिंग के लिए ले सकते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम फॉइल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो उसको आप बिल्कुल ही अपने घर से डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसका यूज़ मत कीजिए। तो इस तरह की शीट आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छी रहती हैं ये शीट्स, एंड ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही हूँ इनको। तो इसमें आप किसी भी तरह का फूड रैप कर सकते हैं, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, कोई सा भी फूड रैप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप जा सकते हो, एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी। द नेक्स्ट बारी आती है पेपर टॉवल्स की, एंड ये मैंने मंगाए हैं ओरिगेमी के किचन टॉवल्स हैं बेसिकली, एंड ये है सोलिमो का एंड ये है सेल्फपैक के। तो ये तीन मंगाए हैं मैंने, एंड तीन मैंने क्यों मंगाए हैं आपको ये भी बताऊँगी मैं, क्योंकि ये तीन अलग अलग प्राइस रेंज में थे। तो इनमें सबसे सस्ता सोलिमो का है, देन ओरिगेमी का है एंड देन सेल्फपैक का सबसे महंगा है। तो मैं इनमें ये देखना चाहती थी इतना डिफरेंस है इनमें प्राइस रेंज में, कि सबसे सस्ता ये है सोलिमो का, फिर ये है, फिर इससे महंगा ये है। तो इनमें ऐसा क्या है, सबकी साइज़ एक जैसी है एंड क्वालिटी वाइज भी ऑलमोस्ट एक जैसे से ही हैं, थोड़ा बहुत ही 19-20 का डिफरेंस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ओरिगेमी के लिए जा सकते हो, बिकॉज़ ये रीज़नेबल प्राइस में है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, बीच का प्राइस है इसका एंड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, किचन काउंटर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप अपने हैंड को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किचन टॉवल्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, कपड़े वाले क्लॉथ वाले, तो आप इन पेपर टॉवल्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस मेरे को लगा तो मैं आपके साथ उसका अलग से सेपरेट वीडियो शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आप मैं कह सकती हूँ कि ओरिगेमी के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा है प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस में है, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, एंड ये है लिक्विड डिश वॉशर, एंड ये काफ़ी अच्छा है, एंड ये मैंने प्रेस्टो का मंगाया, इस बार मैं प्रिल का भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं विम बार का भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो सारे ही एक जैसे होते हैं, तो आप कोई सा भी बाय कर सकते हैं एंड सारे ही एक जैसे प्राइस रेंज में होते हैं, तो जो जिस पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले आप डेफिनेटली वो वाला बाय कीजिए। एंड ये मुझे अच्छा लगा, और इसका लेमन फ्लेवर है, काफ़ी सही खुशबू आती है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है एंड लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो। लिक्विड कई लोगों का मानना होता है कि बहुत सारे हाउस हेल्प ज़्यादा लगाती हैं, काफ़ी सारे लोगों का होता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देती हैं, इसलिए वो लोग बार का यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसिकली विम बार या फिर कुछ भी टिक्की का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये आप लिक्विड का भी यूज़ कर सकते हो, बड़ी बॉटल लो, उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है एंड आप डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम तक चला सकते हैं एंड इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग भी होती है। तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो एंड इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का हॉल वीडियो, एंड ये इसमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड कौन सा अच्छा लगा आपको सबसे ज़्यादा, तो मुझे ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन
मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूले अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो डू चेकआउट। कुछ भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है आप ले सकते हैं एंड बिंदास शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि सेल ऑलरेडी चल रही है तो फायदा उठाइए इसका। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।